प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 75 जिलों की 75 खबरों की। ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका, वकील अभयनाथ यादव का हार्ट अटैक से निधन। गोंडा में शॉर्ट सर्किट से दुकान में लगी आग, लाखों के सामान समेत नई मोटरसाइकिल जलकर हुई राख। सफाईकर्मी को कैची मार कर किया घायल, मेरठ में साथी पर हमले से सफाईकर्मियों में गुस्सा, जांच में जुटी पुलिस। साइबेरियन पक्षी पानी के बहाव में बहता हुआ पहुंचे संगम, मछुआरों ने पकड़कर नदी किनारे छोड़ा, बोले पहली बार देखने को मिला ऐसा पक्षी। प्रधान के खुदवाए गड्ढे में डूबकर बच्चे की मौत, चायत भवन में भराव के लिए आबादी में कराई गई थी खुदाई, बरसात के बाद भर गया पानी। तेजू महल का अभिषेक करने की घोषणा पर हिंदूवादी नजरबंद, रात भर रहे फरार, सुबह 3 गिरफ्तार, बोले जारी रहेगा संघर्ष। कासगंज में पुलिस की 25,000 के इनामी से मुठभेड़, पैर में लगी गोली, 5 दिन पहले बुजुर्ग की हत्या कर हुए थे फरार। हरदोई में युवक ने खुद को मारी गोली, मौके पर मौत, शादीशुदा प्रेमिका से चल रहा था इश्क, उसी को लेकर घर में घुसा हुआ था विवाद। फतेहपुर में यमुना नदी का बढ़ रहा जलस्तर, एसडीएम ने किया निरीक्षण, नाव के संचालन पर रोक लगाने के दिए निर्देश। एक्सप्रेसवे पर घूमने वाली हाथी मालिक को सौंपी गई, पूर्व सीएम ने किया था ट्वीट, सरकार को लिया था आड़े हाथ। अर्धनारीश्वर स्वरूप में काशी विश्वनाथ, पाकिस्तान की सिंधु सहित 12 नदियों और 3 समुद्र के जल से हुआ जलाभिषेक। फिरोजाबाद में 15 दिनों में मिले टीबी के 60 मरीज, स्वास्थ्य विभाग ने 16 जुलाई से शुरू किया था अभियान, घर घर जाकर की गई जांच। रक्षाबंधन पर डाक विभाग का बहनों को तोहफा, इटावा में डाक विभाग ने रक्षाबंधन पर वाटरप्रूफ लिफाफे जारी किए, निःशुल्क पहुंचेगी राखी। हॉस्पिटल में तोड़फोड़ के 4 आरोपी गिरफ्तार, 5 आरोपियों को पहले भेजा जा चुका है जेल, गोपीगंज के एक निजी अस्पताल में हुई थी मारपीट। मऊ में 3 भाई गंगा में बहे, दादा के अंतिम संस्कार में शामिल होने गए थे शामिल, नहाते समय पैर फिसला। रायबरेली में आस्तिक बाबा के खुले कपाट, आज से होंगे दर्शन, सुरक्षा के कड़े इंतजाम, सीसीटीवी से होगी निगरानी, चप्पे चप्पे पर पुलिस। सावन पर बबाल करने के लिए कावड़ियों पर फेंके गए पत्थर, बरेली के नवाबगंज थाना क्षेत्र के जरेली गांव का मामला, कावड़ियों ने किया रोड जाम। बदायूं में गुंडों ने ढाबे पर पीटे युवक को, वीडियो वायरल, पुलिस की करीबी टोली ने की वारदात, नहीं लिखी गई रिपोर्ट। ग्रेटर नोएडा में जेसीबी में लगी आग, आग देखकर ड्राइवर ने कूद कर बचाई अपनी जान। सोनभद्र में थाने पर हुई 5 विवाहित जोड़ों की काउंसलिंग, साथ रहने को तैयार हुए सभी जोड़े, 3 अन्य को बुलाया गया दोबारा। शूटर के नाम पर 7वीं के छात्र से वसूली रंगदारी, शशांक पांडे का वीडियो भेजकर ट्रांसफर कराए 27,000 रुपए, एफआईआर दर्ज। भदोई में डीएम कावड़ यात्रा मार्ग का किया निरीक्षण, मध्य रात्रि में एसपी के साथ औचक निरीक्षण करने निकले थे। फिरोजाबाद में तमंचे के बल पर सराफ एजेंट से लूट, 1 किलो चांदी, 200 ग्राम सोना और नकदी भरा बैग छीनकर फरार। फ्री बियर नहीं देने पर दुकान पर फायरिंग, सेल्समैन ने छिपकर बचाई जान, भागते समय 3 राउंड चलाई गोली। 7 साल की बच्ची से स्कूल में दुष्कर्म, एटा में टीचर दलिया का पैकेट देने के बहाने ले गया, डीएमएसएसपी पहुंचकर जुटे जांच में। ग्रेटर नोएडा में दबंगों ने दुकानों में की तोड़फोड़, तोड़फोड़ की पूरी घटना, सीसीटीवी में कैद 78 लोगों पर मुकदमा। 2018 में पुलिस अब लेखपाल भर्ती परीक्षा में वही गैंग, जेल से छूटे तो फिर सेंधमारी करने में लगे, 2 महीने पहले हायर किया सॉल्वर। अमरोहा में कावड़ यात्रा पर हमले के बाद बबाल कावड़ियों ने पुलिस चौकी घेरी, नेशनल हाईवे पर जाम लगाकर किया हंगामा।
कानून व्यवस्था को लेकर एक्शन में योगी सरकार। साथ आईपीएस अफसरों का किया तबादला। लखनऊ में एसवी शिरोडकर नए सीपी। कानपुर के कमिश्नर भी बदले। मां ने एक साल की बच्ची को ट्रैक्टर के नीचे फेंका। देवर के खेत जोतने का किया विरोध। बोली फैसले के बाद ही बोई जाएगी फसल। अलीगढ़ में सड़क निर्माण में घटिया सामग्री की जांच में सहायक अभियंता और जेई। सड़क को दोबारा बनाने के आदेश। अमेठी में बारूदी से हुआ था विस्फोट। तेज धमाके से दो मंजिला मकान के जमींदोज होने से अफरा तफरी। और अयम में साथियों के साथ नदी नहाने एक युवक गया पानी में डूबने से हुई दर्दनाक मौत। मिली घटना के स्थल पर जानकारी के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अयोध्या में सड़क पर दिखे किसान। एमएसपी पर कानून बनाने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने किया प्रदर्शन। अलीगढ़ में धौरा बिजली घर कनेक्शन के नाम पर अवैध उगाही। पीड़ित ने लगाया आरोप। मंडल मुख्य अभियंता से शिकायत। बदायूं में कांवड़ यात्रा को लेकर सड़क पर उतरे थाना अध्यक्ष वेदपाल सिंह। अध्यक्ष ने शांति बनाए रखने के लिए की अपील। बांदा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। ऑपरेशन क्लीन के तहत लूट की घटना को अंजाम देने वाले तीन अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। अलीगढ़ में 12 साल से पानी में होकर गुजर रहे 30 गांवों के लोग। रोड पर पानी भरा होने के चलते अर्थी गिरने से बची। बिजनौर पुलिस ने अंतर्राज्य चोर गैंग का किया पर्दाफाश। पुलिस ने चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले अंतर्राज्य चोरों को किया गिरफ्तार। बुलंदशहर में अपनी मांगों को लेकर किसानों ने तहसील पर किया धरना प्रदर्शन। दो दिन में मांगों के पूरा नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी। गाजीपुर में हुआ दर्दनाक हादसा। गंगा नदी में डूबे तीन युवक। अंत्येष्टि में शामिल होने घाट पहुंचे थे युवक। गोताखोर डूबने में जुटे। अलीगढ़ में भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष के द्वारा किया धरना प्रदर्शन। प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। गाजियाबाद के आवास विकास परिषद ने की वसुंधरा में बड़ी कार्यवाही। अवैध निर्माण करने वाले के खिलाफ चला आवास विकास का पीला पंजा। गोड्डा में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान को मिली सफलता। पुलिस ने दो वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया। अलीगढ़ में करोड़ों रुपए की लागत से बना सरकारी ट्रॉमा सेंटर। बदहाली के आंसू। नहीं मिल रहा लोगों को। हरदोई मुस्लिमों ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर दिया भाईचारे का संदेश। विश्व हिंदू महासंघ की कांवड़ यात्रा में जगह जगह हुई पुष्प वर्षा। कानपुर मुहर्रम पर जुलूस निकालकर मनाया मातम। गम में डूबे लोग। मुहर्रम की पहली तारीख को ताजिया निकाला गया। कौशाम्बी में चोर सिपाही के खेल में पिस्टल से चली गोली। एक की मौत। घटना के वक्त घर में कोई नहीं था मौजूद। परिजनों में कोहराम। लखनऊ पुलिस ने किया ब्लाइंड मर्डर का खुलासा। एक तरफा प्यार में पागल संजय ने की थी महेंद्र मौर्य की हत्या। मुख्य आरोपी सहित चार की गिरफ्तारी। गोंडा में छात्राओं ने शिक्षक पर लगाया अश्लीलता का आरोप। बीएसए ने शिक्षक को किया सस्पेंड। हरदोई में पति ने ट्रेन से कट कर दी जान तो पत्नी का शव फांसी पर लटका मिला। सौतेले बच्चों के साथ रखने का होता था विवाद। पुलिस अधीक्षक मैनपुरी का औचा थाने का किया औचक निरीक्षण। साफ सफाई न और होने से और त्योहारों आदि के लिए दिए दिशा निर्देश। कानपुर के प्राइवेट स्कूल में जबरन कलमा पढ़ाने पर मचा बवाल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सावन के तीसरे सोमवार को शिवालय पर दिखा आस्था का सैलाब। बोलबम की जयकारों से गूंजे मंदिर। भीड़ ने तोड़ा रिकॉर्ड। प्रयागराज में शिव भक्ति में झूमे भोले भक्त। बच्चों ने बाबा बर्फानी का बनाया स्वरूप। किया भोले बाबा का भजन कीर्तन। रामपुर में ट्रैक्टर की चपेट में आने से कांवड़िए की मौत। नाराज कांवड़ियों ने ट्रैक्टर ट्रॉली में लगा दी आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। आगरा कॉलेज में जिला निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष अभियान की शुरुआत की गई। आधार कार्ड को वोटर कार्ड से लिंक कराने को लेकर चलाया गया अभियान। अमेठी में शॉर्ट सर्किट से कपड़े के शोरूम में लगी आग। आग लगने से शोरूम में लाखों रुपए के कपड़े जलकर हुए राख। बहराइच में सुरक्षा व्यवस्था में हुई बड़ी चूक। कुंड में डूबकर किशोर की हुई मौत। जलाभिषेक के लिए परिजनों संग किशोरी गई थी मंदिर।
बुलंदशहर में श्रद्धालुओं से भरी बस अनियंत्रित होकर हाईवे किनारे पलटी। हादसे में आधा दर्जन श्रद्धालु मासूमी मामूली रूप से घायल। देवरिया में बोलोनो और वैगनार आपस में भिड़ी टक्कर, किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं। आगरा में पत्नी को तालिबानी यातनाएं देने वाला तालिबानी पति पुलिस की गिरफ्त में। तालिबानी यातनाएं देने वाले पति पर हुआ केस दर्ज। अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। कल देर शाम से गायब था युवक, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। बुलंदशहर में बिजली दफ्तर में रिश्वतखोरी का वीडियो वायरल। वीडियो में बिलबाबू किसान से बता रहा शिकायत, रिश्वत को हुनर का पैसा। देवरिया के रुद्रपुर पिपरा प्राथमिक विद्यालय का अश्लील गाने का वीडियो हुआ वायरल। अश्लील गाने गुनगुनाते नजर आए बच्चे। गोंडा में मामूली से विवाद को लेकर दबंगों ने खेली खून की होली। बेखौफ दबंगों ने चाकू से लोगों पर किया जानलेवा हमला। इलाके में सनसनी। कानपुर के बिछूर थाना क्षेत्र के रतन प्लैनेट में क्राइम ब्रांच की टीम ने मारा छापा। सिक्योरिटी पर तैनात गार्ड ने जानकारी देने से किया इनकार। लखीमपुर खेरी में चोरों ने सिविल जज के घर को बनाया निशाना। कमरे से लाखों के जेवरात सहित हजारों की नकदी चोरों ने की पार। जांच में जुटी पुलिस। सपा के भुर्जी समाज के अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा। राजकुमार भुर्जी कल सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा में हो सकते हैं शामिल। शाहजहांपुर में ट्रक ने कांवड़ियों से भरी डीसीएम को मारी टक्कर। एक दर्जन से ज्यादा कांवड़िए घायल। नाराज कांवड़ियों ने हाईवे किया जाम। उन्नाव के नवागत डीएम ने कलेक्ट्रेट कार्यालय का किया निरीक्षण। कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचे फरियादियों से की बातचीत। गोंडा लखनऊ हाईवे पर हुआ भीषण हादसा। कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बाइक सवार की हालत गंभीर। आगरा में फिल्म पुष्पा की तर्ज पर शराब तस्करी। मशीनरी के पार्ट की पैकिंग में ट्रंक में अंग्रेजी शराब की तस्करी। लखनऊ के नए कमिश्नर एसवी शिरोडकर ने पत्रकारों से की वार्ता। कहा सरकार की प्राथमिकता को देखते हुए कमिश्नरेट पुलिस करेगी काम। संभल में ब्लॉक प्रमुख का अविश्वास प्रस्ताव के लिए डीएम को सौंपे प्रस्ताव। भाजपाइयों में नजर आ रही गुटबाजी। पिछहत्तर जिलों की 75 खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। गुड बाय पुष्पा।